तो ये मुझे ले जा रही है यार, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये वाला ग्लिचेस में ऐसा होगा। बट भाई हेलो गाइस वेलकम बैक। तो यार आज की गेम प्ले वीडियो में कुछ हिडन ग्लिचेस दिखाने वाला भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग में, जो कि आपने देखा ही नहीं होगा। तो भाई एयरपोर्ट के पास ये वाली लैंडिंग देख रहे हो जो कि जाली से बंद है भाई, इसके अंदर बहुत मस्त ग्लिचेस छुपे हुए हैं यार। चलो यार मैं आपको दिखाता हूँ भाई, उसके बाद बता रहा भाई कैसा लगा। तो भाई जैसे ही मैं गाड़ी मंगाता हूँ ना, उसके बाद देखना भाई क्या होता था। जैसे यहाँ बलैरो मंगाया और भाई बलैरो जमीन के अंदर से ले जाती है भाई, ये देख रहे हो लिटरली यार। यहाँ तो इससे भी बड़ा तोतला है। एक और गाड़ी मंगाऊंगा उसके बाद देखना। ओके मस्टैंग का देखते हैं, मस्टैंग इसमें फंस जा रही है यार, ये क्या ग्लिचेस गेम में। हैकर हैकर या जंबा लो अंतवेद का तू हैकर। के बाद भाई एक भारी गाड़ी मंगाते भाई, क्यों ना यार यहाँ पे मंगाया जाए हमें इंडियन वो आर्मी टैंक। भाई इसका पीटोन ये था। ओके जैसे मैंने आर्मी टैंक मंगाया, बट यार हमारी बलैरो तो निकल गई बट आर्मी टैंक कहाँ गया यार भाई। अच्छा भाई आर्मी टैंक तो चला, अच्छा भाई ये रहा भाई आर्मी टैंक तो भाई यहीं रह गया, बट हमारी बलैरो वहाँ से निकल चुकी है। भाई फॉर्च्यूनर मंगाते हैं, फॉर्च्यूनर पर मंगाया, उसके बाद में फॉर्च्यूनर भी फंस जाती है और भाई इसमें आराम से बैठ भी सकते हैं। और मैं ड्राइव करने गया तो भाई ये क्या हिलने लग गया यार, ये तो भाई ये क्या यार। ओके भाई ये वाला ग्लिच किस किस को पता तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इससे भी तगड़ा बात है वो भी मुझे बता देना, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ से तुम्हें निकल चुका हूँ, बट भाई ये गाड़ी निकलने वाली है नहीं, तो जिससे अच्छा मैं जा रहा हूँ आपको दूसरा ग्लिच दिखाता हूँ। और भाई यहाँ पे वाला ग्लिच खत्म होता है जब बेइज्जती है भाई, वहां से बच के यार सीधे यहाँ आ चुका रेलवे स्टेशन के पास। और भाई ये ग्लिच तो सभी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि भाई मैं जाने वाला हूँ इस ट्रेन के अंदर। अब आप सोच रहे हो भाई कैसे जाऊंगा, बट आप देखते रहना यार। भाई सबसे पहले मुझे ट्रेन को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो लेट्स को फटाफट ट्रेन को फॉरवर्ड और इंजन को स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद देखना भाई क्या ही होने वाला है। तो भाई दोनों चीज मैंने कर दी है, और भाई उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, स्टिकी बम को निकालना है और भाई फेंकने वाली पोजीशन में खड़े हो जाना, और जैसी ट्रेन आपके पास आएगी ना बस आपको उसको फेंकना है और आप सीधे ट्रेन के अंदर। भाई ये देखो बट भाई ग्लिच यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ग्लिच तो इसके बाद है, तो तुरंत ट्रेन को यहाँ पर रोक देना है। उसके बाद भाई आपको जो स्टॉप को हिलाना नहीं, जैसे हिलाओगे ना आप यहाँ पर मर जाओगे, बट मैं हिलाऊंगा नहीं। उसके बाद भाई देख रहे हो यहाँ पर फटाफट स्टिकी बम को मैं बहुत सारे गिरा देता हूँ, और उसके बाद देखो भाई क्या ये हमारे साथ होने वाला है, भाई पूरी ट्रेन में भाई ब्लड ही ब्लड हो जाएंगे। तो फटाफट यहाँ बहुत सारे स्टिकी बम को मैं गिरा देता हूँ, तो लेट्स गो भाई, कम से कम 50 स्टिकी बम लगाओ भाई, तभी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस ऑलमोस्ट मैं 50 लगा देता हूँ, तो भाई ये देखो इतने सारे मैंने ग्लिच मतलब स्टिकी बम लगा दिए। अब भाई मैं चलने करने जा रहा हूँ वाला ग्लिच, तो लेट्स गो इंजन उसको जाना और जो स्टिकी को हिला देना, उसके बाद भाई आपका बंदा ना यहाँ बाहर आ जाता है। और भाई देखो किस पोजीशन में, और भाई पूरी ट्रेन में खूनी खून जैसा लग रहा था, और भाई साथ में ये मुझे ले जा रही है यार, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये वाला ग्लिच इसमें ऐसा होगा। बट भाई मैं लिटरली इसके साथ जा रहा हूँ भाई, ट्रेन के साथ देख रहे हो भाई, फंसते हुए मैं चला जा रहा हूँ। ओके भाई यहाँ पर मैं निकल जाता हूँ थोड़ी देर में, और भाई काफ़ी दूर आ चुका हूँ यार मैं। बट भाई हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई, मैं स्टिकी मैन बन गया यार भाई, इसको एक्टिव करके भी नहीं फोड़ सकता क्योंकि मैं मर जाऊंगा, मुझे गेम को भी एग्जिट नहीं करना है। गाइस ये वाला ग्लिच तो उससे भी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम दिखाने वाले जेजी पे एक न्यू ग्लिच है, जो कि भाई कल पता चला है मेरे को। तो भाई ये देख रहे हो सामने जाना है यार, यहाँ बहुत सारे हमें स्टिकी बम को फेंक देना, उसके बाद भाई हम जेजी पे बैठे बैठे स्टिकी बम को ब्लास्ट कर सकते हैं। भाई ये क्या ग्लिच है, तो भाई आप देख सकते हो मैंने यहाँ बहुत सारे स्टिकी बम फैला दिए हैं। अब चलते हैं भाई अपने जेजी के पास, वहाँ पर जाकर बैठना है, और भाई इसके अंदर एक सीक्रेट बटन छुपा हुआ है यार, उसी से स्टिकी हम सारे फूटने वाले हैं। लेट्स गो इस पर बैठता हूँ और आपको मैं बटन दिखाता हूँ कौन सा बटन है। तो भाई सामने वाले जैसे इसको नीचे करोगे ना भाई वाले बटन को, तो भाई सामने स्टिकी हम फूटने वाले हैं। ये देखो जैसे भाई इसके मैंने आगे वाले इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट इसको मैं नीचे गया यार, तो यार सारे स्टिकी हम फट गए भाई। ये क्या ग्लिच था मुझे पता ही नहीं था, बट यार इससे भी तगड़ा है, क्योंकि भाई अब मैं ट्राई करने वाला हूँ भाई एनपीसी के ऊपर स्टिकी बम, तो देखते भाई एनपीसी पे लगाने के बाद स्टिकी बम काम करते हैं कि नहीं। तो भाई मैंने देख लो लगा दिए हैं, उसके बाद दोबारा मैं बैठता हूँ जेसीबी में, उसके बाद भाई देखते हैं। तो भाई दोबारा मैं डाउन करने जा रहा हूँ भाई, ये वक्त तगड़ा था यार, एनपीसी सीधे आसमान में गए, बट यार इससे मेरा फ़ोन थोड़ा सा हैंग कर गया, देख रहे हो आप। तो भाई इससे मेरा फ़ोन थोड़ा हैंग किया है, बट भाई कोई नहीं यार, पर ये तो ग्लिच बड़ा ही सुपर तगड़ा था भाई जो भी था। अब भाई यार मैं यहाँ पे इसमें इस बार मैंने इस गाड़ी में स्टिकी बम लगाया, आप देख सकते हो स्टिकी बम ब्लास्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको फिर से वाला बटन दबाया ना भाई, ये फिर से स्टिकी बम सारे काम कर गए। तो
ये ग्लिच पता नहीं कहाँ छुपा था भाई, और जो भी पता चल गया है भाई ये ग्लिच खत्म होता यहीं पे बस। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना भाई, बहुत ही तगड़ा था मेरे हिसाब से तो, जो कि भाई अभी तक पता ही नहीं था भाई। और भाई देख रहे हो इससे भी काम।